नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास कल 14 अप्रैल शुक्रवार को खाली कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई और घर खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली के 12 तुगलक लेन में स्थित बंगले में रह रहे थे और अब वह घर खाली कर मां सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने कल शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। केजरीवाल को 16 अप्रैल को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा गया है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सीबीआई के साथ सहयोग करेंगे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आरोप है कि कुछ शराब डीलरों और दक्षिण लोबी के पक्ष में नीति को तोड़ मरोड़ कर जुटाए गए धन को आम आदमी पार्टी द्वारा चुनावी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने का संदेह था, जो धन के लेन देन के हिस्से के रूप में जांच के अधीन है। वहीं इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर अपना हमला तेज करते हुए उन पर शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह दिन दूर नहीं जब तीन दोस्त, जिन्हें एक दूसरे की कमी खलती है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल की एक ही बैरक में बैठेंगे। सचदेवा ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि दिल्ली भाजपा हमेशा से कहती रही है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, जिसमें उनके मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। केजरीवाल सीधे तौर पर घोटाले में शामिल हैं क्योंकि आबकारी नीति को उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति लाकर न सिर्फ दिल्ली के राजस्व को बल्कि समाज को भी नुकसान पहुँचाया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को समन जारी होने को लेकर भाजपा के निशाना साधने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया है। आप नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी मार लेना तक तमाम नेताओं ने सीबीआई के नोटिस को बदले की राजनीति करार दिया है। आप नेताओं का सीधा इल्जाम है कि केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं। आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की साजिश कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने चुनावी घमासान के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब और हलाल से जुड़े विवाद गैर जरूरी हैं। आपको बता दें, चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में इन दोनों ही मसलों पर काफी वाद विवाद हुआ था। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जब येदियुरप्पा से ये सवाल पूछा गया कि पार्टी ने हिजाब और हलाल मुद्दे को कैसे संभाला, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं। मैंने शुरू से ही यह स्टैंड लिया है। ये ऐसे मुद्दे थे जो जरूरी नहीं थे, मैं ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करूंगा। बता दें कि येदियुरप्पा का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होने वाली है। दरअसल बीजेपी विधायक यशपाल सुवर्णा ने कर्नाटक में कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की मांग करने वाले छात्रों के खिलाफ आवाज उठाई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई नए प्रत्याशियों पर भरोसा कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इससे कई सिटिंग एमएलए टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से नाराज हैं। इस बीच उन्हीं में से एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश हट्टार को टिकट दिए जाने संबंधी फैसले के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार 14 अप्रैल को कहा कि यह मामला पार्टी आलाकमान के समक्ष विचाराधीन है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे को आसानी से सुलझा लिया जाएगा। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले जोशी ने मीडिया से कहा कि जगदीश हट्टार को टिकट देने पर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है। हमने अपनी राय बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त की है कि हट्टार को टिकट दिया जाना चाहिए। हट्टार और मैंने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात कर चर्चा की थी, सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। बता दें, इस सिलसिले में जगदीश हट्टार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद हट्टार ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 6 विधानसभा चुनावों में अपनी जीत और अपने अनुभव का हवाला दिया, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की पहली और दूसरी लिस्ट में नाम ना आने के बाद से ही पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी कल शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और अपने बयान में कहा कि बीजेपी से अब मेरा कोई संबंध नहीं है और अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश बीजेपी के दफ्तर के सामने से मत ले जाना। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में जाने से वे दुखी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा
कि कांग्रेस पार्टी के पास क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टी से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 212 उम्मीदवारों की दो लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद से बीजेपी में कुछ विधानसभा सीटों पर बगावत और कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की स्थिति बन गई है। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार 14 अप्रैल को कहा कि विधायक बनने की आकांक्षा वाले कुछ नेताओं ने भले ही राह बदल ली हो, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी के साथ ही हैं। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में जोर देकर कहा कि टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास राज्य में 60 सीटों पर योग्य उम्मीदवार का अभाव है। साथ ही अपनी पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति को लेकर बोम्मई ने कहा कि स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ दल में टिकट की मांग ज्यादा होगी। आईपीएल के 16वें सीजन के 19वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने कल शुक्रवार को खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हराकर इस सीजन में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। बता दें, इस मैच में कोलकाता की टीम को 229 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन वह 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 205 के स्कोर पर ही सिमट कर रह गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।